आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जो लोग अपने जिंदगी में, अपने जीवन में ऊंचाई पे लेवल पे जाना चाहते हैं, ऊंचाई पे जाना चाहते हैं अपने लेवल से, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी आज। जो अपने करंट सिचुएशन में, जहाँ जो चल रहा है उसमें खुश है, उनको कुछ करने की इच्छा नहीं, भले खुश नहीं है मगर उनको कुछ करना नहीं है, तो उनके लिए बातचीत नहीं है। जब आपको ऊंचाई पे जाना है, हायर लेवल पे जाने का है, जहाँ हो वहाँ से, तो फिर आपको एक बात पक्की करनी पड़ेगी कि अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा, दिया जो वचन है उसका पालन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन मतलब उसका अर्थ यह है कि वंस द डिसीजन इज मेड देयर आर नो मोर निगोशिएशंस। एक बार निर्णय ले लिया, उसके बाद में उसके बारे में फिर विचार नहीं होगा, और वो जो निर्णय लिया है वो समय पे, जो समय पे बोला वो समय पे हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतना महत्व जो है वचन को है, और जो वचन जो समय पे दिया वो समय पे वो वचन का पालन करो। मगर हम जब पूछते लोगों को कि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया, तुमने हाँ बोला था बाद में किया नहीं, तुम समय पे नहीं आए, तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ उनको यदि क्वेश्चन किया लोगों को, तो लोग एकदम बचावात्मक परिस्थिति में जाते, अपना बचाव करना चालू करते, डिफेंस में चले जाते हैं। उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि अपना इंसल्ट हुआ, उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरे को ऐसा कैसा पूछा, ऐसा उनको लगता है। सिंपल है, बहुत आसान है, और वो है कि समझो मैं मेरे शब्द जो दिए हैं, जो वचन दिया है, जो मैंने बोला है उसका मैं पालन करता नहीं हूँ, और जो समय पे बोला उस समय पे मैं नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है जिसको मैंने वो वचन दिया था उसको कि नहीं मैंने नहीं किया और मैं अभी अभी ये समय पे करने वाला हूँ। मगर लोग क्या करते हैं कि लोग अपने मूड से जाते हैं, दिमाग में जो मूड आता है, जो भावनाएँ आती है, नहीं मैंने जब हाँ बोला तो मेरा अच्छा मूड था, अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। या फिर नहीं, जब मैंने बोला तब ऐसे विचार थे, अभी मेरा वैसा विचार नहीं है। तो लोग क्या होगा, मूड से जाएंगे, विचारों से जाएंगे। कोई लोग परिस्थिति से जाते हैं, परिस्थिति अभी अच्छी थी जब मैंने बोला तब, अभी परिस्थिति नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो परिस्थिति के अनुरूप लोग जाते हैं। या फिर कुछ भी कारण बीच में आ जाता है और वो कारणवशता होती है उनकी, और वो कारण की वजह से वो काम करते नहीं, मतलब परिस्थितिवशता और कारणवशता ऐसा होता है उसकी वजह से वो काम करते नहीं और अपना शब्द जो है वो शब्द तोड़ देते हैं। आपको एक ही करना है कि आपको यदि हायर लेवल पे जाने का है, ऊंचाई पे जाने का है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, अपना बेस पक्का बना पड़ेगा। और बेस पक्का बनाना, इसका मतलब अपने को हैबिट डालनी पड़ेगी, हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। और कौन सी आदत, कि नहीं भाई जो मैंने वचन दिया वो मैं करूँगा, वॉक एज यू टॉक, जैसा बोला वैसा करो, बोले तैसा चाले त्याची बंदा भी पावले, ऐसा मराठी में कहा है कि जो बोलता है वैसे ही वो करता है, तो उसको हमने, उसके पैर हमने छूना चाहिए। तो इस तरह का ये वचन है, तो जो वचन दिया उसका पालन करो। डेफिनेटली आप ये करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हाइयर लेवल पे जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।